Assalamualaikum, welcome to Ashees Kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? Ashees Kitchen में आज मैं बना रही हूँ restaurant style लाहौरी chicken boneless handi. और बनाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें और जो वीडियो पसंद आए उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये बोनलेस हांडी, चिकन की जो बोनलेस हांडी है, ये ऑथेंटिक रेसिपी है. वो इस तरीके से कि हम लोग कुछ दिन पहले लाहौर गए थे और वहाँ पर मैंने ये लाइव बनते हुए देखी थी कि वो किस तरीके से बनाते हैं. फूड स्ट्रीट जो है उधर किले वाली, वहाँ पर मैंने ये खाई थी. तो वहाँ पे मैंने जब वो बना रहे थे, लाइव सामने बना रहे थे, तो ये मैंने देखी है कि वो किस तरीके से बनाते हैं. तो इंशाल्लाह ताला जो लाहौर का जो पूरा ब्लॉग है आपको एक दो दिन में जो है वो मिल जाएगा. तो देखिएगा कि हमने वहाँ पे क्या कुछ लाहौर में इंजॉय किया और बस मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया. तो अब स्टार्ट करते हैं. इसके लिए मैंने लिए 1 किलो बोनलेस चिकन मैंने ले लिए, 5 अदद मैंने टमाटर ले लिए और टमाटरों को मैंने इस तरीके से हाफ हाफ काट लिया. ठीक है, आप 4 ले लें, 5 ले लें, लेकिन 4 या 5 होने चाहिए. 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, धनिया ले लिया मैंने जुलिन कटिंग में, मैंने अदरक ले लिए और हरी मिर्चें काट ली हैं. ये हाफ पैक है टेट्रा पैक क्रीम का. 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ले लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लेवल सुर्ख लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया पाउडर मैंने ले लिया, 1 टीस्पून लेवल और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और ऑयल मैंने ले लिया. ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसको मैं हांडी में बना रही हूँ. आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बना सकती हैं, किसी भी पॉट में. मेरे पास हांडी थी तो मैं हांडी में इसको बनाऊँगी. सबसे पहले आपने ऑयल लेना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑयल आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने पहले चिकन को फ्राई करना है. ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिए. ठीक है, इसमें मैं डाल दूंगी चिकन और इसको मैं करूंगी फ्राई. ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है. ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया. जब मैंने इसको डाला था तो चिकन ने पानी छोड़ दिया था. आपने इसको फुल आंच पर जो है फ्राई करना है. फुल आंच रखनी है आपने जब भी आपने इसमें ऑयल में जब भी आपने चिकन डालना है. तो ये देखें ये ऑलमोस्ट हो चुका है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं जो ज़्यादा ऑयल है मैं निकाल दूँगी. जिसमें मैंने इसको कुक करना है वो मैं रहने दूँगी इसके अंदर. ठीक है, ये देखें ये हो गया. मैंने इसमें ऑयल ये देखें निकाल लिया मैंने. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ऑयल निकाल लिए. अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारे स्पाइसेस. फ्लेम मैंने फिर से चला दी है. अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लेवल इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट. ठीक है, 1 टेबलस्पून 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के. ठीक है, अब इसको हम भूनेंगे. ठीक है, फ्लेम में इसकी थोड़ी हाई करती हूँ. झटपट बन जाता है ये. इसको आपने भूनना है अच्छे तरीके से. फ्राई करने का सिर्फ ये मकसद है कि जो है ना चिकन वो अच्छी कुक हो जाती है और बिल्कुल वो ना उबली उबली नहीं लगती. फ्लेम इसकी आपने हाई रखे, हाई फ्लेम पे ही बनाना है, वो भी हाई फ्लेम पे बनाते हैं. देखिए मैंने इसकी भुनाई कर दी. इसके अंदर अब मैं टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने साथ ही आपने इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल, 1/2 कप इसमें मैं पानी डाल दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं. अब जो ही टमाटर सॉफ्ट होंगे ना तो मैंने इसके ऊपर से छिलका उतार लेना है. ठीक है, अभी मैं इसको कवर करने लगी. ये देखिए जब ये नरम पाट देंगे तो इस तरीके से आप इसका छिलका उतार लें. इसीलिए मैंने इसको बड़े बड़े पीसेज में काट लिया था. इस तरह आप छिलका इसका उतार लेंगे. इस तरह मैं सबका छिलका जो है वो उतार लूँगी. ये इजीली जो है वो छिलका उतर आता है. ये देखें मैंने छिलका सारा रिमूव कर लिया. ये देखें अब मैंने इसको इतना भूना है कि ये बिल्कुल देखिए आपके मैश हो चुका है टमाटर. ठीक है, अगर टमाटर आपके मैश नहीं हो रहे तो आप थोड़ा सा पानी और बेशक डाल दें. ठीक है, अब आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से.
मैंने इसको भूना है, ये देखें, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी क्रीम। टेट्रा पैक की कोई भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें। ये मैंने हाफ पैक जो होता है ना छोटा पैक, वो मैंने डाला है हाफ। ठीक है, इसको मैं करूंगी मिक्स। इसमें मैं अभी थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक डालूंगी और बाकी मैं ऊपर से डालूंगी। छीन के थोड़ा सा और भूनना है इसको। मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, ठीक है। और इसमें ना ऑयल बिल्कुल गायब हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा चाहे तो एंड पे आप जो चिकन वाला ऑयल था मैंने थोड़ा सा और डाल लिया, क्योंकि ऐसे खानों में आपको पता है देसी खानों में ऑयल शायद अच्छा लगता है ज़रा। तो ये मैंने अब ये कुक हो गया, अब मैं इसको बंद करूँगा। चिकन बोनलेस हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसको आप कढ़ाई में या दूसरी डेगची में भी बना सकते हैं, अगर हांडी है तो उसमें बनाएं। और मुझे अपनी दुआओं में, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।